इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, x दिया गया है एज ए फंक्शन ऑफ t, काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, काफी पावर्स हैं, फिर स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसी तरह से y सिमिलर स्ट्रक्चर का है, ठीक। तो ऐसे केस में जनरली हम लोग लॉग ले लिया करते हैं ताकि थोड़ा सा सिस्टम क्या हो जाए, आपका रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x चूंकि t का फंक्शन है तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म है तो लॉग लेंगे पहले और सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले, ठीक है। तो लेकिन टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ x दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ होल थिंग साइन क्यू टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ टू टी, ठीक है। अब यहां के बाद आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग m अपॉन n, ठीक है। क्या आप पढ़े हो, लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहां पे m क्या है आपका, साइन क्यू टी है, और n क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी है, ठीक है। तो ये अप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट कम्स आउट टू बी लॉग ऑफ साइन क्यू टी माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस टू टी, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर्टी लॉग की लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर होता है वो पीछे आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर लॉग ऑफ m की पावर n है तो n पीछे आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ऐसे लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करते हैं हम लोग तो ये 3 क्या हो जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है। और ये पावर स्क्वायर रूट भी पीछे आ जाएगी, स्क्वायर रूट है क्या एक्चुअली, अगर इसका एक्सपोनेंशियल वर्जन देखा जाए तो पावर 1/2 है, तो ये 1/2 पीछे आ जाएगी और यहां से हट जाएगी। तो हम लोगों ने लॉग की दो प्रॉपर्टी लगाई और इसको एक सिंगल स्टेप में हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। आप भी डायरेक्ट करोगे तो यही हो जाएगा आपका। तो अब हम लोग डिफरेंशिएट, चूंकि अब सिंप्लीफाइड हो चुका है तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ लॉग ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, 3 लॉग ऑफ साइन टी और माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं 1/2 लॉग ऑफ कॉस टू टी, ठीक। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपको और पेशेंस मेंटेन रखे रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो बस आपके पेशेंस की जरूरत है। तो d बाई डी टी ऑफ 3 लॉग ऑफ साइन टी माइनस 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ कॉस ऑफ टू टी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टेप कम करते रहते हैं यहीं पे, लेकिन आप कॉपी में सारे लाइंस लिखोगे, सारे स्टेप्स लिखोगे, ठीक है। तो 3 आपका यहां पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। इसी तरह से 1/2 आपका क्या होगा, यहां आ जाएगा, तो दैट इज माइनस 1/2 डी बाई डी टी। अब यहां पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लगेगा आपका, लॉग टी का फंक्शन तो है नहीं लेकिन टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहां पे चेन रूल लगेगा। मतलब पहले लॉग डिफ्रेंशिएट होगा फिर साइन डिफ्रेंशिएट होगा। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका 1/1 होता है, 1/ साइन टी हो जाएगा। अब इस साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, कॉस ऑफ टी हो जाएगा, माइनस यहां पे क्या होने वाला है आपका 1/2, फिर लॉग का डिफरेंशिएशन होगा तो 1/ आएगा, 1/ क्या होगा जो उसके अंदर है, उसके अंदर क्या है, कॉस टू टी। कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन होगा तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन जो भी उसके अंदर है, टू टी उसके अंदर है, फिर क्या होगा आपका, टू टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और टू टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टू आएगा, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो हम लोग यहीं पे रिमूव कर लेते हैं, तो दैट इज प्लस, तो आपका आ गया यहां पे साइन टू टी बाई कॉस टू टी अपॉन कॉस टू टी, ठीक है।
अच्छा ये भी आपका cos t by क्या है आपका sin t है, cos t by sin t, cos t by sin t है, ठीक है। अब देखिए इसका LCM ले लीजिए, जब LCM लेंगे तो cos 2t यहां मल्टीप्लाई होगा और sin t यहां मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर ये दोनों कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएंगे, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं sin t, ठीक है, और यहां पे हो जाता है cos ऑफ 2t, ठीक, और ये सबके नीचे हो जाएगा आपका कितना, दैट इज नीचे कितना था आपका sin t और cos 2t, ठीक, ये हो गया आपका। अब cos 2t और sin 2t इनको t के टर्म में ले आइए, यहां पे फार्मूला डाल दीजिए, cos 2t का फार्मूला डाल दीजिए और sin 2t का, ठीक। उससे पहले यहां पे देखिए इसकी LHS, LHS में प्रॉब्लम थी कि d by dt ऑफ log x है, लेकिन log तो x का फंक्शन है, ठीक है, तो ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ना कि t के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहां भी चेन रूल हमें लगाना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, d by dx और फिर dx by dt, ये माइनर मिस्टेक हो जाती है आपसे, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो ये 1 by x क्या हो गया आपका dx by dt हो गया, ठीक। तो अब ये दोनों काम कर लेते हैं, x इस तरफ ले आएंगे तो हमारा dx by dt आ जाएगा, तो देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा dx by dt that is equals to x times, अब ब्रैकेट में देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, 3 cos t और फिर क्या है cos 2t, cos 2t का फॉर्मूला हम लोग डाल देते हैं 1 minus 2 sin square t, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया sin 2t का फॉर्मूला डाल दीजिए, sin 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin t और cos of t, ठीक है, अपॉन ये पड़ा है आपका sin t और cos of 2t, ठीक है। अच्छा x यहां पे आप प्लेस कर दीजिए, x क्या था आपका sin क्यूब t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos of 2t और इनटू हो जाएगा आपका, यहां से देखिए कितना आएगा, कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है cos t क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो cos t कॉमन होगा तो ये बाहर आ जाएगा आपका cos t, फिर अंदर आपका क्या बचा, अंदर आपका बचेगा 3 मल्टीप्लाई होगा 3 और फिर 3 2 जा 6 sin स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस का 6 sin स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका यहां पे आपका sin 2t का फॉर्मूला रखा था तो ये वाला sin हम नहीं लिखे थे, खैर तो यहां पे हो जाएगा आपका sin t, ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया that is 6 sin square t और यहां से हो गया 2 sin square t, तो माइनस का 6 sin square t plus 2 का कितना ये आ जाएगा फाइनली आपका माइनस का 4 sin square t, ठीक है, माइनस का 4 sin square t, अच्छा एक sin अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर एक sin मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट या तो sin square t हो जाएगा cos t हो जाएगा, अच्छा नीचे भी हमारा छूट गया था ये आपका डिनोमिनेटर इसका sin t और cos of 2t, तो एक sin हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा आपका sin square t cos t और अंदर एक sin चूंकि अंदर चला गया तो ये हो गया 3 sin t minus sin square into sin जो मल्टीप्लाई किया बाहर से तो 4 sin cube t हो गया, ठीक है, अपॉन आपका sin t और स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t एंड cos 2t, ठीक। अब देखिए एक sin आपका कैंसिल हो रहा है यहां से और ये आपका 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये sin 3 sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है तो दैट कम्स आउट टू बी sin t cos t into क्या हो जाएगा आपका sin 3t
अपॉन कॉस 2t की पावर थ्री बाई टू, ये आपका आ गया सिंपली dx बाई dt। अब इतना ही पेशेंस चाहिए आपको क्या निकालने के लिए, dy बाई dt निकालने के लिए। जब dy बाई dt आप निकालोगे ठीक है, तो आपका आ जाएगा सिमिलरली आप निकालोगे सिमिलरली dy बाई dt दैट इज ये आएगा आपका sin t cos t, और ये आ जाएगा sin 3t की जगह पे आपका cos 3t आएगा, अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो सेम आएगा cos 2t टू द पावर 3 बाई टू ठीक है, लेकिन एक माइनस साइन के साथ आएगा ठीक। तो यहां पे आप dy बाई dx निकालना था हमें, तो dy बाई dx हो जाएगा dy बाई dt ओवर dx बाई dt, तो वैल्यू रख दीजिए dy बाई dt। देखिए कितना पार्ट कॉमन है, ये पार्ट आपका कॉमन है, इसमें भी है और यहां पे इसमें भी है, तो ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है। तो उसको क्यों लिखे हम, क्या बचेगा यहां से, माइनस कॉस 3t माइनस का कॉस 3t अपॉन साइन 3t, और ये आपका क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस कॉट हो जाएगा, तो माइनस कॉट 3t, तो दैट इज योर dy बाई dx।